राम राम दोस्तों, मेरा नाम आशीष नैन है। मैं आपके सामने पेश हूँ एक वीडियो लेकर के, जिसमें बताऊंगा मैं हरियाणा के कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में। भाई आज मैं अपने बताऊंगा कि अपना हरियाणा भी किसी तक कम को नहीं। अपने हरियाणा में भाई बहुत टैलेंट भरा पड़ा है, चाहे वो खेलों का मामला में हो, चाहे वो पढ़ाई का मामला में हो, चाहे वो इंटेलिजेंट का मामला में हो, चाहे वो पर्यावरण बचाने का मामला में हो, या फिर भाई चाहे पेड़ पौधे लगाने के मामले में हो, चाहे वो शहीदों को याद करने के मामले में हो। दोस्तों आज मैं आपके सामने बताऊँगा अपने हरियाणा के कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो अपने हरियाणा ने भाई बहुत खास बनाए हैं। तो चलो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए भाई वीडियो ने स्टार्ट कराँ। तो दोस्तों पहला रिकॉर्ड है भाई नारी शक्ति एकजुटता रिकॉर्ड, जो कि 55,458 महिलाओं ने मिलकर पानीपत में भाई बनाया था। यो पहले रिकॉर्ड है सिर्फ 12,000 महिलाओं का था भाई, जो कि जापान के नाम है। इसमें नारी शक्ति ने दर्शाया कि भाई हम एकजुट होकर बहुत कुछ कर सका हाँ। तो दोस्तों इस तरह साबित हुआ कि अपनी महिलाएँ हरियाणा में किसी से भी कम को नहीं। दूसरा मेरी नज़र में भाई जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आया वो था भाई गुरुकुल का एक छात्र था उत्तम ने भाई 1 मिनट में 60 बैक फ्लिप लगा करके अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कराया। मतलब यार सोच के देखो खेल जगत में कितना आगे चल रहा है अपना हरियाणा, क्योंकि 1 सेकंड में 1 बैक फ्लिप लगा करके ने इस बंदे ने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कराया। पहले ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 52 बैक फ्लिप का था भाई। आगे बात करा भाई डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज की, इसने यार अपने बलबूते पे पूरे 23 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। यू जज्जर का रहने वाला है भाई, भाई यू बंदा कोई खिलाड़ी को नहीं, यू बंदा कोई कलाकार को नहीं यार। जो डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज जी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले लेकर के और भाई जीत जीत कर बनाए हैं। तो जाहिर सी बात है यार 23 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कोई आम बात को नहीं। और जहाँ तक बात आओ भाई शहीदों के मामले में, तो यार शहीदों के मामले में तो अपना हरियाणा बलिदानी देने में तो सबसे आगे था ही, लेकिन ये भी याद करने के मामले में भी आगे हो गया भाई। चरखी दादरी के 20,000 युवाओं ने मिलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें भाई जो हरियाणा के जो लोग शहीद हुए हैं अपने देश के खातर उनको भाई याद किया गया। मतलब हरियाणा के नहीं, जो पूरे देश के जो लोग शहीद हुए हैं उनको याद किया गया और भाई यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। पूरे 20,000 युवाओं ने मिलकर इसमें भाग लिया भाई। ये सुन लो भाई अपना हरियाणा भाई पर्यावरण बचाने में भी कितना आगे है। तो यार आप सुनकर ने हैरान हो जाओगे कि मात्र 3 मिनट में 2,35,000 पेड़ लगा कर ने भाई अपने हरियाणा के लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यो फरीदाबाद के लोगों ने भाई काम कराया है। तो यार मैं तो इन बंदे ने सैल्यूट करूँ, जिसमें यार पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी मुहिम चलाई और उस पर बहुत बड़ा काम कराया। आपने पता है यार अपना हरियाणा पशुपालन के मामले में और दूध के उत्पादन के मामले में ऊपर है ही सर्वोच्च है। लेकिन ये बात करा तो यार एक सुल्तान नाम का झोटा जिसकी कीमत 21 करोड़ की गई है भाई, यू कैथल जिले में है भाई। और बताया जा रहा है भाई कि वो हर महीने 7 लाख रुपये कमावे है। ये बात करा भाई अपने टैलेंटेड हरियाणा की लड़कियाँ की, तो भाई आपने पता है कि अनीता कुंड जो है भाई माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़कर अपना परचम लहरा चुकी है भाई। मतलब अपना तिरंगा झंडा का नाम रोशन कर चुकी है भाई, अपने देश का नाम रोशन कर चुकी है। मानुषी छिल्लर भाई मिस वर्ल्ड रह चुकी है भाई हरियाणा की। और भाई शिवानगी पाठक मात्र 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे यंगेस्ट महिला बनी है भाई, और ये हिसार जिले से संबंध रखे हैं भाई। केसी आर्या भाई जो करनाल जिले का रहने वाला है, इसने भाई 2.65 सेकंड में 10 बोतल तोड़कर ने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कराया भाई। 2.65 सेकंड मतलब लगभग 2.5 सेकंड में 2.5 सेकंड में 10 बोतल तोड़कर ने यार वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना कोई आम बात नहीं है। तभी मैं कहूँ भाई हरियाणा में अपना टैलेंट बहुत है, मतलब यार अपना हरियाणा किसी से भी कम को नहीं। रोहित कौशिक है भाई, इसने 76 घंटे लगातार स्टेज का प्रोग्राम करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कराया भाई। यू हिसार के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में कराया था भाई प्रोग्राम। इसमें मतलब पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो भी 76 घंटे का था, लेकिन अमेरिका का था और वो पूरी टीम का था, लेकिन इस बंदे ने भाई 76 घंटे कुछ मिनट तक अपना परफॉर्मेंस दे के ना भाई अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कराया है। तो यार ये थे कुछ अपने हरियाणा के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो कि मैं आपको बताना चाहूँ था। इसके बारे में मतलब पता होना चाहिए कि भाई हरियाणा अपने तो किसी तक कम को नहीं, क्योंकि आप कई बार बाहर जाऊँ हाँ यार अपनी बोली ने बोलने की झिझक करा हाँ, मतलब बोलते को नहीं, तो अपने भाई झिझक नहीं करनी, क्योंकि अपने बोली वाले मतलब हरियाणा वाले किसी तक कम को नहीं। आप उस्ताद भाई सारा सुध है कि मेरा कहने का मतलब यो था। अगर भाई कोई गलती हो गई हो या वीडियो में कोई कमी हो तो मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताइयो और लाइक कर दियो वीडियो ने। और भाई नए बंदे हैं तो प्लीज यार चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। आगे भी मैं दोस्तों इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहूंगा, जे गलती हो गई हो तो कमेंट में बताइयो भाई, और नहीं तो भाई सपोर्ट करो। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय जवान, जय किसान और जय।